वेलकम टू मैक्सर्ड। मैं हूं आपका होस्ट काजी और आई एम सॉरी यार, हमने थॉर लव एंड थंडर के नए ट्रेलर का ब्रेकडाउन वीडियो नहीं निकाला और अब हम अगर अभी निकालते इतना लेट तो लोग बोलते कि दूसरों की वीडियो का वेट कर रहा था। तो यार डायरेक्टली हम बात करते हैं गौर की हिस्ट्री के बारे में। Unlike other popular Marvel villains, Gore बहुत ही recent addition है comics में, जिसको introduce किया Thor की नई comics में, जिसको बनाया था Jason Aaron ने। और ये already Thor का greatest villain बन चुका है, other than Loki and Odin, क्योंकि God level parenting। तो अब बात करते हैं गौर के ओरिजिन के बारे में। तो बेसिकली गौर एक ऐसे प्लैनेट से बिलोंग करता था जहाँ पे ना उनके पास पीने के लिए पानी था, ना खाने के लिए खाना था और ना ही जीने के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट था। सर्वाइवल ही उनका प्राइमरी टारगेट था रेदर देन सिविलाइजेशन बनाना खुद की या तो टेक्नोलॉजी को इनोवेट करना। तो क्योंकि इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन थी उस प्लैनेट की, तो उस प्लैनेट के लोगों का भगवान में बहुत ही ज्यादा विश्वास था, वो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस थे। इनफैक्ट जब गौर की माँ मरी थी तो वो मरते मरते यही बोली थी कि तू भगवान में विश्वास रखना, और इसीलिए गौर भी भगवान से प्रे करता था, उनसे बैक करता था कि थोड़ी सिचुएशन अच्छी कर दे। और एक दिन उसकी प्रेग्नेंट वाइफ मर जाती है, जिसकी वजह से गौर को ये चीज रियलाइज होती है कि भगवान है ही नहीं, और वो बाहर निकल के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहने लग जाते हैं कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि भले वो कितने भी सेल्फिश हो वो ये चीज तो होने ही नहीं देते। तो ये चीज सुन के उनके ट्राइब वालों की फट जाती है कि भाई पहले इतनी ऐसी हालत है, ये चीज सुन के भगवान इसको सजा देने के चक्कर में पूरे ट्राइब की ना मार दे, तो वो उसको निकल के बाहर फेंक देते हैं। और इस वजह से कोई दूसरा ट्राइब भी उनकी मदद नहीं करता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली उसका बेटे की भी डेथ हो जाती है भूख की वजह से। और फिर गौर को आसमान में एक ब्लिंकिंग लाइट दिखती है, जिसके नीचे गिरने पर वो उसके पास जाते हैं और उसे दिखता है कि वहाँ पे एक ब्लैक आर्मर में वेनम, कार्नेज और सारे सिम्बायोट के भगवान नल है, और गोल्डन आर्मर में गौर के भगवान जो नीचे पड़े हुए। और अब सुनो, वही भगवान गौर से भीख मांग रहा है कि मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो, और वो ये सोचता रहता है कि मैं पूरी जिंदगी भर तुमसे भीख मांगता रहा पर तुमने जवाब नहीं दिया, पर अब मैं जवाब देगा। और गौर नल की नेक्रोसॉर्ड उठाता है और उसको ले मारता है। और फिर गौर भगवानों के घर पे आता है जहाँ पे वो लोग मस्त ऐशो आराम में बैठे हैं, सो रहे हैं, और वो एक एक करके सबको मार देता है। और उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि ये लोग भगवान का दर्जा डिजर्व नहीं करते, क्योंकि ये लोग जब खुद को मुझसे नहीं बचा पाए तो क्या ये लोग लोगों को बचा पाएंगे। और फिर उसकी मुलाकात होती है थॉर से, और वो ये चीज़ तभी रियलाइज़ कर लेता है कि ये बाकी भगवानों के जैसा नहीं है। तो वो ये चीज़ ठान लेता है कि वो थॉर को पूरी लाइफ तड़पाएगा, पूरी लाइफ सफ़र करवाएगा और उसे सबसे बुरी मौत मारेगा। और क्योंकि ये हिस्ट्री ऑफ गौर है तो इसकी अब हम बात नहीं करेंगे डिटेल में, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। पर इन शॉर्ट आपको ये चीज़ बता दूँ कि गौर ने ही थॉर को अनवर्दी बनाया है, उसने ही एसगार्ड का फॉल करवाया है। और जब फ्यूचर में थॉर किंग बन जाता है एसगार्ड का, ओडिन से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तभी भी गौर उसको सफर करवाता है और चैन की मौत मरने नहीं देता है। तो अब हम अगर बात करें गौर की पावर्स के बारे में, तो फिजिकली उसका सबसे पावरफुल वेपन है नेक्रोसॉर्ड, जिसकी वजह से वो किसी भी भगवान को मारता है तो उसकी पावर एब्जॉर्ब कर लेता है। बट गौर का सबसे पावरफुल वेपन है उसका पेन और सफरिंग, क्योंकि थाउजेंड्स नहीं मिलियंस ऑफ इयर्स सेम टारगेट लेके पूरे कॉस्मोस में घूमना और उसे पूरा करना, दैट्स सम फकिंग डेडिकेशन। और इसीलिए हम सबको गौर पसंद है, क्योंकि उसकी ओरिजिन स्टोरीज से हम सब कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं और उसका हर एक एक्शन जस्टिफाइबल लगता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं आए तो डिसलाइक करो। और हमारी पिछली वीडियो Why RDJ's Iron Man Should Never Return को ऑब्वियसली आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैं यहाँ पे ऐसा बटन दिखा के आपको देखने नहीं बोलूंगा। तो हम वैसी और वीडियोस लाने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर, फेसबुक पेज, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम हैंडल सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए मैं हूँ काजी, दिस इज मैक्सलर।